everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta and welcome to today's session. बहुत ही important session जहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि finally what is coming in your social studies board examinations and what is deleted. इस बात पे काफी ज्यादा confusion है बच्चों में. मैं अपने खुद के videos के नीचे के comment section में देखती हूँ जिसमें बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्यों पढ़ा दिया, ये तो deleted है मैम, ये deleted है. और बच्चे बोलते हैं नहीं 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 deleted है, exam में आ रहा है. तो गाइस ये वाला video वो उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से confused है, जो थोड़ा clarification चाहते हैं कि exactly what is deleted and what is coming in the exam. छोटी सी वीडियो होगी, जल्दी से वी विल गो थ्रू द टॉपिक्स दैट इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम. ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस में भी काफी डिडक्शंस है और काफी इंक्लूजन्स है, उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे. एंड मेक श्योर कि आप वो पढ़ के जाओ जो आपके एग्जाम में आ रहा है. अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया तो कुछ नहीं होता गाइस, नॉलेज डज नॉट गो वेस्ट, ठीक है. बट मेक श्योर कि कुछ छोड़ मत देना क्योंकि उससे बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है. सो विदाउट मच डिले लेट अस बिगिन विद द मेजर इंपॉर्टेंट सेशन. Clear your confusion, deleted portions of social studies. Now guys, शुरू करने से पहले happy Republic Day to all of you. Remember छुट्टी है, enjoy करो छुट्टी को. But ये भी याद रखना कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है. इसके बारे में एक अलग वीडियो भी आ रही है चांदनी पे, वाइटी शॉर्ट आ रहा है, उसको जरूर देखना और अपना हार्ट जरूर देना, ठीक है. चलो शुरू करते हैं इस सेशन को. तो गाइस अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, उसमें मैं वैसे पढ़ा चुकी हूँ ये पार्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यू नो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटेक, एबायोटेक, पोटेंशियल, वो सब डिलीटेड है. विच इज सैड आई थिंक, डिलीटेड क्यों ही किया, मतलब काफी स्कोरिंग होता था वो टॉपिक, बट डिलीटेड है तो आप उसको छोड़ सकते हो. अब अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात करें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्विकली, जस्ट अ सेकंड, क्विकली शो यू डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी कि ऐसा क्या है इसमें जो डिलीटेड है. तो गाइज अगर आप देखो कि ये आपकी एनसीईआरटी है ना, ऑल राइट. और हम ऊपर जाए पेज नंबर 14, अगर आपके सामने आपकी किताब है तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ये सारा पार्ट जो आपको दिख रहा है पेज 14 पे, ये पूरा एंडेमिक एक्सटिंक्ट स्पीशीज रेयर स्पीशीज ये सब डिलीटेड है. नीचे जाओगे ये सब डिलीटेड है पेज नंबर 16 पे भी. और ये पूरा हिमालयन यू इन ट्रबल तक, ये पूरा पार्ट जो आप देखते हो आपके सामने डिलीटेड है, ठीक है. यू हैव टू फोकस फ्रॉम कॉन्जर्वेशन की, मतलब ये वाला पार्ट की यहाँ से आपको पढ़ाई करनी शुरू करनी होगी इस चैप्टर की. एंड ऑफकोर्स कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये सब पढ़ना है, ठीक है. तो व्हाट हैव यू लर्न्ड, गाइस याद रखना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. द डिलीटेड पोर्शन इज फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. तो फ्लोरा एंड फौना का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है एंड उसके बाद का एक्सटिंक्ट रेयर ये सब डिलीटेड है पेज 14 से 18 तक. ये सब इंफॉर्मेशन जो भी है मोस्ट ऑफ इट टिल द हिमालयन यू इज डिलीटेड. आप आई वुड से फिर भी गो थ्रू इट, अगर आप पढ़ चुके हो इसको तो गुड फॉर यू. ऐसा नहीं है ऑफकोर्स एग्जाम में नहीं आएगा, पर नॉलेज वेस्ट भी नहीं होती है ना. तो इतना सारा डिलीट कर दिया है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स ने, ठीक है. अब अगर हम लोग वाटर रिसोर्सेज की बात करें, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पूरा चैप्टर डिलीटेड है. तो गाइज दैट इज नॉट ट्रू, प्लीज इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लो, इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं. तो दैट चैप्टर इज नॉट डिलीटेड. अब एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर में देर आर टू मेजर पार्ट्स दैट आर डिलीटेड. एक पार्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट फॉर यू. तो ये है आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये फूड सिक्योरिटी से पहले कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है. फूड सिक्योरिटी लेकिन आ रहा है, फूड सिक्योरिटी के नेक्स्ट पार्ट में इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये पार्ट जो है वो डिलीटेड है, ठीक है. सो दैट पार्ट इज डिलीटेड. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में गाइस कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है, प्लीज कुछ मिस मत कर लेना. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो एक्चुअली काफी बच्चों को बहुत टफ लगता था, इस साल आपकी बल्ले बल्ले है क्योंकि काफी चीजें नहीं आ रही है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी नहीं आ रहा, ठीक है. अब
जब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें उसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, लेकिन जूट टेक्स नहीं, सॉरी, अगर हम लोग यू नो इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं आ रहा, जूट टेक्सटाइल नहीं आ रहा, शुगर इंडस्ट्री नहीं आ रहा. रिमेंबर देयर विल बी नो क्वेश्चंस फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल, शुगर एंड जूट, आयरन एंड स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री, ये डिलीटेड है. उसके अलावा जो आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग ये सब दिखता है, ये सब आ रहा है एग्जाम में गाइस, वो कर लेना, बट ये पार्ट जो है डिलीटेड है, विच इज अगेन मेरे हिसाब से काफी सैड, क्योंकि आयरन एंड स्टील से क्वेश्चन आ ही जाता था, बट अब डिलीटेड है तो नहीं आएगा. ठीक है, तो गुड फॉर यू. अब आखिरी चैप्टर की बात करें अगर हम ज्योग्राफी की, तो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देयर इज नो डिलीशन, ऑल द एंटायर चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम. ठीक है, नाउ दैट वाज ज्योग्राफी जिसमें सबसे ज्यादा डिलीटेड स्टफ था. तो जितना खुशी होनी थी आई होप आपको हो गई हो, क्योंकि अब इतना डिलीटेड नहीं है. ठीक है, अब सिविक्स की बात करें, पूरा पावर शेयरिंग का चैप्टर आ रहा है, पूरा फेडरलिज्म का चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 3 जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, हटाई गया है, हटाई दिया आपके कोर्स से, पता नहीं क्यों, आई मीन काफी इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लाइफ में, बट कोई बात नहीं. जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में गए जो पार्ट डिलीटेड है वो वैसे भी आप पढ़ते नहीं थे, आखिरी के कुछ पन्ने हैं, आई वुड से कि वो इतने मतलब आई वुड से पढ़ लो फिर भी, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पार्ट है जो डिलीटेड है, सो यू कैन ऑन अप टू यू. ठीक है, अब जो आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स है पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में 70 पेज, 76 का एक पेज मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे, पर ये वाला जो है ना मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है, बट आई थिंक पढ़ सकते हो बिकॉज यू गेन अ लॉट ऑफ यू नो नॉलेज व्हेन यू रीड दैट, बट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कुछ भी डिलीटेड नहीं है. चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया है. ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो गाइज इकोनॉमिक्स में पांचों के पांचों चैप्टर्स आ रहे हैं. आखिरी का चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, बट आई एम श्योर आपको प्रोजेक्ट वर्क इसका मिल गया होगा, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, बाकी चैप्टर्स जो है वो आ रहे हैं. ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो गाइज अगेन बहुत बच्चे बोलते हैं मैम प्रिंट कल्चर तो डिलीटेड है, पता नहीं कहाँ से एक अफवाह फैली है या आपके स्कूल के टीचर आपको क्या बता रहे हैं, बट ऑल दीज 5 चैप्टर्स आर कमिंग इन द एग्जाम. कमिंग क्या, इन सब में से ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स की. तो गाइज मैप्स में भी काफी डिलीशंस है, पर हम लोग डिलीटेड की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्या एग्जाम में आ रहा है. तो हिस्ट्री में बस एक ही चैप्टर से मैप आएगा, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, यूरोप वाले कोई भी कंट्री का मैप नहीं आएगा, ओनली नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन आएंगे, वेयर यू विल गेट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो है वो कलकत्ता, नागपुर, मद्रास. ठीक है, ये तीनों आएगा आपको लोकेट और लेबल करने के लिए. राइट, अब हम अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे चंपारण, केक जो है आपका गांधी जी केक खाए थे ना, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, अमृतसर जहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, चौरी चौरा जहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ था, और दांडी जहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, ये सारे लोकेट और लेबलिंग के लिए आएंगे. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आएगा, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि ये वाला पार्ट आप मुझे बता दो वैसे, और ये वाले पार्ट एरिया में जो शेडेड है उसमें कौन सा सॉइल अवेलेबल है. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा. वाटर रिसोर्सेज में आपके ये सारे जो डैम्स है, सालल डैम, भाखरा नंगल डैम, तेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर, तुंगभद्रा आएगा. एग्रीकल्चर में गई सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे कि जैसे शेड कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि यहाँ पर स्टेट में सबसे ज्यादा यू नो कौन सा क्रॉप मिलता है, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज ऑल्सो सुपर ईजी. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आएगा, जिसमें बोला जाएगा कि ठीक है यहाँ आसाम में ऐसे मार्क कर दिया जाएगा ए वॉट यू नो आयरन ओर माइन हैज बीन आइडेंटिफाइड हियर. तो आप कहोगे कि ठीक है आसाम है तो दिग्बोय हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट. कोल माइंस भी है और ऑयल फील्ड्स भी है, इनमें से ही आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा. याद रखना लोकेट नहीं करना होगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा, विच बिकम्स मच इजियर फॉर यू. तो याद रखना ये सारे जो मैप टॉपिक्स है इसके जो जैसे दिग्बोय कहाँ पर है, कालोल कहाँ पर है, अंकलेश्वर कहाँ पर है, एक टेबल बना देना सो दैट इवन इफ यू माइट नॉट बी वेरी गुड इन ज्योग्राफी, थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ठीक है इस स्टेट में दिखा रहा है तो ये हो सकता है ना, यू कैन डू इट दैट वे. ठीक है, पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सबसे ज्यादा मैप क्वेश्चंस हैं.
तो उसको ध्यान से करके जाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत आसान है क्योंकि मेजर सिटीज है आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, तो लोकेट करने के लिए आता है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। और मेजर पोर्ट्स आते हैं कांडला, मुंबई, मुंबई मार्मा, गोवा, मैंगलोर, कोची, ट्यूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आते हैं बहुत बार, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट आई एम श्योर यू विल रिमेम्बर। गाइस यहाँ तक ना मैप बेस्ड क्वेश्चंस लग रहा है बहुत ज्यादा है, बट दे आर द मोस्ट स्कोरिंग। तो ये जो मैप में आ रहे हैं सब मैप में आप करके रखो, सो दैट एग्जाम से जस्ट पहले यू कैन जस्ट गो थ्रू द मैप्स एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो मैप आपके होने चाहिए अभी प्रिपेयर्ड, मार्क किए हुए, सो दैट आप उसको यू कैन गो थ्रू इट एवरी नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, है ना। तो काफी चीजें गाइज हो गई है डिलीट, बट काफी चीजें एग्जाम में आ रहे हैं। याद रखना अगर आप डिलीटेड पार्ट पढ़ चुके हो तो दुख मत मनाना, बिकॉज नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। एंड आई होप आप सबका कंफ्यूजन दूर हो गया हो, ठीक है। जो मैंने इस टाइम पे बोला वो सीबीएसई वेबसाइट से डायरेक्टली लिया गया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन। This is your master teacher Surbhi signing out. जल्दी से give me a hearts guys, give me a thumbs up for this video and इस video को share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, so that कोई ऐसा कुछ ना पढ़ ले जो deleted है, या कोई ऐसा मतलब miss ना कर ले कोई chapter जो included है, ठीक है। So that's it. Let me know in the comment section if there's any confusion and bye bye. Have a great day.